जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको कि रेलवे में बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ये नोटिफिकेशन नंबर जो होता है वो दिया हुआ है, ठीक ना। और इसमें जो TC होता है, NTPC होता है, ASM होता है, ठीक ना, GG और क्लर्क, ये सब का वैकेंसी है। और ये टोटल 1,31,000 वैकेंसी है, ठीक ना, 1,31,000 है। और मैं इसमें जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक ना। तो ये परीक्षा में हमेशा रिपीटेड होते हैं और रेलवे में ही रिपीटेड होता है रेलवे का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ठीक ना। इससे होगा क्या कि जब मैं इस रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप यहाँ पर इसे देख पाएंगे, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन आ गया है इसमें, ठीक ना, ये पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे और यही सब एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आँख का रंग किस पर डिपेंड करता है, तो आयरिस के रंग पर डिपेंड करता है, आयरिस के रंग पर, ठीक ना। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका जो शंकु, जिसको कोन बोलते हैं, वो रंग को पहचानती है, ठीक ना। और रोड जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है, ठीक ना, मतलब कितना तेजी से प्रकाश आ रहा है वो। चलिए इसमें नेक्स्ट अब पॉइंट को देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, ठीक ना, कितना देर तक, 1/10 सेकेंड तक। उसके बाद चलचित्र में प्रति सेकेंड 24 चित्र दिखाया जाता है, कितना चित्र दिखाया जाता है, 24 चित्र। उसके बाद इंद्रधनुष परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद आता है काली रंग की वस्तु, ठीक ना, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट आ जाता है नाइक्रोम, ठीक ना, वो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, ठीक ना। नाइक्रोम किस चीज़ का मिश्र धातु होता है, तो निकेल और क्रोमियम का। उसके बाद प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड, जिसको हम लोग Fe3O4 बोलते हैं, वो होता है, ठीक ना। Fe3O4 क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक जो होता है लोहे के ऑक्साइड से ही बना होता है। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक ना, पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, मतलब पूरा पूरा बर्फ जो रहता है पानी में रहता है, बस थोड़ा सा ऊपर तैरता हुआ रहता है हिस्सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है, समुद्र की लोहे पारे पर तैरता है। तो लोहा जो होता है किस चीज़ पे तैरता है, कौन सा लिक्विड पे, तो पारा आपको टिक लगाना है। उसके बाद समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है, क्या गिराया जाता है, तेल। तो समुद्र के जल को शांत करने के लिए तेल तो गिराते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफेक्ट करता है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो क्या इफेक्ट करता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी एक्वेटिक एनिमल होता है, ठीक है, उन लोगों का इफेक्ट करता है लाइफ को। और अगर छोटा छोटा लहर को अगर हम तेल से शांत करेंगे तो बड़ा लहर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक ना। तो चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह जो होता है वहाँ उत्तल, मतलब सतह उत्तल होती है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे ठोस एवं गैस दोनों माध्यम में चल सकता है, ठीक है। इसको लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में करते हैं, तो लेजर बीम का उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर चिकित्सा में करते हैं। नेक्स्ट है, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ठीक ना। उसको जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय होता है, ठीक है, यह उपापचय है। उसके बाद ग्रह गति नियम का निरूपण जॉन्स कैपलर ने किया था, ग्रह गति नियम का निरूपण कौन किए थे, जॉन्स कैपलर, ठीक है। उसके बाद गैलेना सीसा का अयस्क होता है, तो ध्यान रखना एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सीसे के अयस्क हैं। तो इसमें जहाँ पर आपको दिख जाएगा गैलेना, उसको आप आराम से टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो होता है सष्टम होता है, आवर्त सारणी के सबसे छोटा आवर्त जो होता है प्रथम होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन कौन किए थे, मोसले ने किया था। उसके बाद मेंडेलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाई जाती है या होती है। नेक्स्ट यहाँ आ जाता है, गर्दन में
केसरुकी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो गर्दन में केसरुकी की संख्या जो होती है 7 होती है। मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। उसके बाद हाइपोथैलमस, ठीक है ना, हाइपोथैलमस शरीर में भूख प्यास तथा ताप को नियंत्रण रखता है, ठीक है ना, हाइपोथैलमस। चलिए आगे इसमें देखते हैं आप। नेक्स्ट इसमें आ जाता है समुद्र की गहराई का पता करने में कौन सहायता करता है? तो फैदोमीटर, ठीक है ना, फैदोमीटर। ये फैदोमीटर जो होता है ये समुद्र की गहराई को मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। किसका क्वथनांक बढ़ता है? द्रव का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर किसी लिक्विड में हम इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे उसके बाद, ठीक ना। परमाणु संरचना नील बोर ने दिया था, परमाणु संरचना कौन दिया था? नील बोर। उसके बाद ब्रोमिन एक तरल अधातु है तथा पारा एक तरल धातु है। तो ब्रोमिन जो है अधातु है, ये ध्यान रखना, और पारा जो है एक धातु है, और दोनों जो है लिक्विड है, ठीक है ना, दोनों क्या है? लिक्विड। उसके बाद प्लेटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम धातु को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लिथियम सबसे हल्का तथा ओसियम सबसे भारी धातु है। तो लिथियम सबसे हल्का और ओसियम क्या है? सबसे भारी। पिटवा लोहा, ठीक ना, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। तो बोलेंगे सबसे प्योर जो आयरन होता है वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होता है। तो प्राकृतिक गैस में सबसे हाई अमाउंट में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। प्रथम परख नली शिशु का जन्म 1978 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड मानव शरीर में पाए जाते हैं? 20 टाइप्स, ठीक ना। उसके बाद मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। उसके बाद हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव। गर्म करने पर जल जल का घनत्व तो नहीं बढ़ता है, मतलब ऐसा ना हो गर्म कर दिया तो जल का घनत्व तो बढ़ गया लेकिन बढ़ता नहीं है, ठीक ना, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसका सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव आ जाता है, होता है एयर के कॉन्टैक्ट में आने में इसमें क्या आग लग सकता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। नेक्स्ट आ जाता है किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध जो रेसिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, ठीक ना। ये ओम का नियम भी में दिया हुआ है, V=IR होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। उसका हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है, ठीक ना। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। तो गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम। उसके बाद साबुन के निर्माण में एस्टरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। एस्टरीकरण ध्यान रखोगे आप। चलिए बर्नौली परमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है, ठीक ना। बर्नौली क्या बताते हैं कि जो गहरा जल होता है वो शांत बहता है, ठीक है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं प्रेशर के रूप में किया जाता है। उसके बाद एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। उसके बाद आर्जेंटाइट क्या है? चांदी का अयस्क है, ठीक ना, और ठीक है चांदी का अयस्क कौन है? तो आर्जेंटाइट आप टिक करोगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोल गैस, ठीक ना। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। उसके बाद रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए क्या करते हैं? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो गैसोलीन, ठीक ना। क्या गैसोलीन जो है कच्चे तेल का अवयव होता है, ठीक ना। उसको पारा, ठीक है, अमलगम का आवश्यक तत्व होता है, ठीक ना। अमलगम का आवश्यक तत्व जो होता है क्या होता है? पारा होता है। उसके बाद मानव शरीर, ठीक ना, 4 कोष्ठीय होते हैं। कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट इसमें आ जाता है समस्थानिक गुण, ठीक ना, तत्व में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तत्व में। तत्व मीन्स एलिमेंट में पाया जाता है। प्रे
प्रक्षेपास्त्र का विकास, ठीक ना, वर्नस वॉन ब्रान ने किया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनोमीटर। उसके बाद हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटेनियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्राइटेनियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटेनियम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें गामा रे, ठीक ना। गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है, ठीक है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम थायलो सल्फेट। तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसको हाइपो बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है, सोडियम थायो सल्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोना जो है धातुओं का राजा कहा जाता है, सोना को, ठीक है। सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस जो होता है वो आर्गन होता है। वायु में नोबल गैस रेडॉन नहीं होता है, ठीक ना। रेडॉन जो होता है वायु में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। सीमेंट का खोज कौन किया था, जोसेफ आस्पडिन ने किया था, जोसेफ आस्पडिन ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है नाखून पॉलिश जो होता है परिमार्जक, जिसको रिमूवर बोलते हैं, ठीक ना। नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं उसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। उसके बाद दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। उसके बाद संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है बांस है, ठीक ना। और चीन का बांस जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक ना। तो ये बांस इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया। स्पाइडर के अध्ययन को हम लोग ऑर्कैनोलॉजी बोलते हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो होता है विस्थापन कहलाता है। ईमेल का जो खोज करता है वो शिवा अय्या दुरई है, ठीक ना। उसके बाद है स्थिति जिनमें मानव शरीर का टेम्परेचर सामान्य से घट जाता है वो हालत जो है हाइपोथर्मिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैटरी का इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया क्लोराइड है, ठीक है। काला जार बीमारी जिसको हम लोग बालू मक्खी सॉरी काला जार बीमारी जो होता है बालू मक्खी से फैलता है, ठीक ना। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है हाइड्रोजन है, ये सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सफ़ेद फॉस्फेट को पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन जो होता है पॉलिनोलॉजी कहते हैं, पॉलिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फ्लूराइड जो होता है दांत को हानि पहुंचाता है, ठीक ना। उसके बाद जंग रोधी इस्पात का आविष्कार हीरा ब्रेरल ने किया। उसके बाद ट्रांजिस्टर दो डायोडो का एक संयोग होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टमाटर में जो खाने वाला भाग होता है उसको फल भित्ति बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का आकार माइक्रोन में मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। और भी मैं साइंस का क्वेश्चन जो है वो सर्च करके कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये सब सभी वीडियो बनाने में बहुत सारा मतलब टाइम लगता है, ठीक ना, बहुत सारा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप हमारे मेहनत को समझो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।